देश के व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली के सभी व्यापारी संगठनों के असरदार नेताओं से विस्तार से चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया है कि 4 दिसंबर को होने जा रहे दिल्ली नगर निगम के चुनावों में दिल्ली के व्यापारी भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड समर्थन करेंगे और वोट भी देंगे। और हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे व्यापार को बचाने के लिए जरूरी है कि केंद्र और नगर निगम में एक ही सरकार हो, ताकि कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं। तो कल क्या होगा, नगर निगम में जो होगा वो कहेगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र को सहयोग नहीं दे रहा, केंद्र कहेगा ये नहीं दे रहा, तो हम सब किसी पेंडुलम में झूल जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आज से और अभी से पूरी दिल्ली में माहौल बनाए। हमारी दुकान पर जो कस्टमर आता है उसको कहें, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लिन, कहें आप अपना वोट और समर्थन फलानी पार्टी बीजेपी को। अपने मित्रों से कहें, सबसे कहें कि इस समय हमारे विषयों का सवाल है, काम किया नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये झगड़ा। लेकिन हम प्रश्न थे कि अगर हम ये तय करें कि 4 दिसंबर के बाद हम चुपचाप अपने घर में ही बैठेंगे। कन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स की जो आप ताकत है वो आप जानते हैं कि जब इन्होंने आदरणीय प्रवीण जी को संपर्क किया, उसी समय प्रवीण जी ने हमारे यूडीआई मिनिस्टर हमारे हरदीप पुरी जी को संपर्क किया। संपर्क करके उन्होंने जिस तरीके से जो आश्वासन दिया है, जो बात कही है, तो वो काबिले तारीफ है। और फिर तो आप ये समझते हैं कि हमारी आज सेंट्रल जिसने ये भी कह दिया कि अगर जो फंड्स की जो बात है वो अब कमी नहीं आएगी, क्योंकि हर चीज में आप सभी समझते हैं कि 5 सालों में क्या होता है। तो आज हम ये कहेंगे कि अगर हमारे को तक जहां पर इतने बड़े हादसा होने के बाद इतने उन व्यापारियों का बुरा हाल होने, कितने अफसोस की बात है। तो हमें इस चीज पे अपने आप को दिमाग कई तरीके से काम लेना है कि सेंट्रल की अगर ताकत है, सेंट्रल अगर समझती है, वो पुरानी सभी चीजों को समझती है कि कहां पर क्या कमी रही है। और प्रवीण जी ने भी अच्छे से, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि जो जो व्यापारियों की जितनी भी बातें हैं, जिस तरीके से उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जहां नरम होने की जरूरत थी वहां नरम से, और जहां पर सख्त होने की जरूरत थी सख्त से, कि जिससे हमारे व्यापारी भाइयों का भला हो सके। हमारी जो बातें अभी तक नहीं सुनी जा रही वो उसका अब जाके हमारा समाधान मिले। अगर केंद्रीय सरकार साथ है तो निश्चित तौर पे हमारी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान होगा, अन्यथा आप सब स्वयं समझदार हैं। और व्यापारी जिसकी ताकत जैसे जिस तरीके से प्रवीण जी ने बताया, और वो बिल्कुल सही टाका है कि हमारे 12 लाख व्यापारी, एक और जोड़ दो उसका तो 24 लाख, 2 कर्मचारी जोड़ दो तो 50 लाख, और 1.5 करोड़ की आबादी के अंदर, 1.5 करोड़ की आबादी के अंदर हमारे 50 लाख अगर हमारे व्यापारियों के वोट हैं, तो उसकी ताकत को समझने की जरूरत है, और वो ताकत ही हमको हमारा समाधान दिलाएगी।